ठीक है मेरी गर्दन में ताकत है ना मेरे हाथों में ताकत है ना मेरे पैरों में ताकत है ना मैं खा नहीं सकता मैं चल नहीं सकता मैं नहा नहीं सकता मैं टट्टी नहीं कर सकता मुझसे कुछ नहीं करता बनता है जब महेंद्र पैदा हुआ साहब तो एक साल वे तुमको पता नहीं चला साज वो दे हमारी जान तो सही है बच्चा आओ खा लगी है फिर एक साल बाद बैठा रहा हमने तो गर्दन झुकाई उन्हें थोड़ी थोड़ी तो हमने कि ये झुकाई क्या पता क्या हो गया इसको दवाई अपने गांव में अगर पास आपने करा उतरा वो दवाई से कुछ पता नहीं चला हमको बिल्कुल तो सुबह से उठाओ तो उठा के उसको बाथरूम कराए बाथरूम करा के थोड़ी देर बिठा दो बिठाने के बाद बोलो मम्मी हमें टट्टी करने तो बस टट्टी खुल ले गई उसको मंजन नंजन कराए फिर उसको नहाया नहा के फिर बस बाद बिठा दिया उसको डेली यही काम है मेरा इसे देखा जाए घर पे रखे के बाद आज 12-13 साल का हो गया वो तो अब नहीं उपाय चल रहा हूँ थोड़ी खाना दे दो कुछ देने के बाद फिर बनाने लगी तो बना बनू के फिर रखा जब सब पैदा हो जब यही तो बोला बाहर करने भी घर करने भी के तूने कुछ कर्म करा है ना जब ही तो भोग रही हो भोगेगी तुम बहुत बुरी है तुम बहुत खराब है ऐसा भी कहता है आदमी जब हम इसको कहीं ले जाते हैं मंदिर को तो गांव के लोग मतलब और चिटंग उड़ाते हैं उसकी मतलब और चिटंग उड़ाते हैं कि ये ऐसा बच्चा हुआ इसके तो मतलब उनको मतलब चहकाते हैं वो गांव के लोग तो हमको बहुत बुरा लगता है उस समय कि कैसे दे दिया राम ने हमको ये ना होता तो ना ये गांव के लोग हमसे कहते अगर इसको सीधी तरीका से ज़मीन में बिठा दिया जाए तो थोड़ी घसट के चल सकता है और मतलब नहीं कर सकता है कुछ भी मैं तो साहब काम करने जाता हूँ मजदूरी करता हूँ मैं तो डेली यही जाता हूँ काम करने और कभी कभी वो मतलब मेहंदी की मम्मी भी आ जाती है जैसे ज़्यादा वो हो गई तो बच्चे छोटे छोटे हैं लड़की भी शादी लाख है उतना मतलब खर्चा ज़्यादा है और कमाता मैं सिर्फ अकेला हूँ परेशानी है सर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया अपने बेटे को महेंद्र को तो डॉक्टर ने ये बोला कि भैया चलो जो दवाई ले लो वह दवाई ऐसी दवाई दे दिया उसमें मतलब कोई आराम नहीं लगा मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं भी खेलूँ बच्चों के साथ मैं खेल नहीं पाता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ बाल उठा देते हैं अंदर उठा देते हैं और टट्टी करा देते हैं रोटी कह देते हैं और सपरा देते हैं और कंधे कह देते हैं Yeah.
My name is Krishnan, Dr. Rajagopalan Krishnan. I'm a senior consultant spinal surgeon at Indraprastha Hospital in New Delhi. Before this, I was a consultant orthopedic surgeon with a spinal interest in Mid Cheshire and Nature's Trust. I returned to India because I was invited over by my friend to deal with a couple of cases whom nobody would touch. That's when I decided to come back to India. I learned about Mahendra from my wife, who was visiting Delhi at the time last year, and she had come across his plight from the British media, and she wanted to know if I could help him somehow. So we got him over to Delhi. I had a look at him. He had a congenital myopathy, which we have subsequently investigated. And the closest diagnosis would be congenital nemaline rod myopathy. In Mahendra's case, his myopathy has caused his inability to hold his head upright. His neck is bent entirely to the right. He's hypotonic everywhere. Although he can move his limbs and seems to have muscle power, he has already developed joint contractures, and if nothing is done, he's likely to end up stiff as a board. So I think his neck deformity can be corrected, and if he's straightened, at least he'll be able to look the world straight rather than upside down. जब वो दिल्ली वाले डॉक्टर ने फोन करा हमको तब हमें अच्छा लगा थोड़ी कि हमने कही चलो अब इसकी गर्दन ठीक हो जाएगी तो ये सीधी तरीका से तो देख तो सकता है। I have to say, given that he is 12 years old and with a severe deformity, I was surprised that nothing much has been done about it for so long. Very few people would be mad enough to take on such cases. I love doing them because if they do well, it's greater joy than any amount of money can bring. If a paralyzed child who has no hope or was given no hope in any other hospital walks after something I do, tell me what is a greater joy in life than that? I'm going to deal with his neck deformity primarily, basically because I want his head straight. I can hold his skull and upper neck, and he seems to be able to hold it when I hold his neck straight. So I think I may only need to fix his entire cervical spine up to the thoracic spine, and hopefully this will straighten him. What we have done is put him in bed without any support, removed the soft collar and so on, reclined him very slowly, bringing him nearly upright. This is just a simple test for me to see if his neck remains straight or straightish. That's all I'm aiming for now. अब गर्दन तुम्हारा सीधा लगता है हाँ झुक नहीं जाता है ना गुड बॉय गांव वाले ये कह रहे थे कि इसको काय खुले जा रहा है ये कमजोर है मर जाएगा तो मैंने भगवान पे भरोसा करके उस डॉक्टर पे भरोसा करके उसका हो गया आज वो मतलब सही है मतलब उसका गर्दन So I'm quite happy doing this, but I just feel that children should not be allowed to get to this stage. Children are the future. Children are the treasure of the country or the planet. We should be working at making their lives better, not worse. Should have one proper time, not changing time.
अब अच्छा लग रहा है कि महेंद्र सही हो गए, हो जे हैं, खुशट कर रहे डॉक्टर भी। और मेरे पास भैया दुआ के अलावा कुछ नहीं, दुआ ही दे सकता हूँ मैं डॉक्टर को और जितने भाई हैं उनको, बस।